एक तो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आपने कही, मैं आपको कह दूं, जब इम्तियाज़ जगे और वारिस पठान असेंबली में थे, मुस्तकिल मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते रहे और हमेशा करते रहे। पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, अवामी तौर पर तहरीक चलाने की जो बात है वो भी करेंगे। रही दूसरे मसाइल, देखिए आज के गुज़िश्ता चंद महीनों चंद एक साल में जो सबसे बड़ा मसला है CAA NRC NRP का मसला, आप मुझे बता दीजिए मजलिस के सिवा किसने काम किया? यहाँ पे शाहीन बाग बना, मजलिस के जिम्मेदारों ने तमाम तबकात को साथ में लेके एहतजाज किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वारिस पठान बैठे थे तो असद भाई का फ़ोन आया, वारिस पठान से कहे पूना जाओ, नागपुर जाओ, जहाँ जहाँ शाहीन बाग है वहाँ जाके मोटिवेट करो। तो आपको ये बात तो समझना पड़ेगा, शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज भी चीख चीख कर मुखालफत कर रहे हैं। अभी देखिए आपने स्टेटमेंट क्या दिया, NRP का एजेंडा तैयार है, उसका जवाब भी तैयार है। तो ये हो गया मसला। अब दूसरी बात तो ये है कि जहाँ जहाँ वक्त पड़ता है काम करते हैं। अब देखो ना, 15 दिन बिहार में हम थे, आपके फेवर्स भाई थे, कुछ जिम्मेदार यहाँ के थे, तब चुनाव में तो जाना पड़ेगा ना भाई, अभी चुनाव के वास्ते यहाँ आए। इसका मतलब चुनाव के बाद घर में दरवाज़ा बंद करके बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन मिर्गत के जो मसाइल है उसके वास्ते कोशिश कर। आम्ही आपल्याला जाहिराची प्रस्तुत देतो या ठिकाणी, आपण जाहीरनाम्यामध्ये आम्ही पण पूर्ण आमचा जो आम्हाला जो अजेंडा आहे तो पूर्ण जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही आपण मांडलेला आहे, त्यामुळे आपण त्यातून आम्ही या ठिकाणी पूर्ण मारवाड़ा या हम लोग यहाँ पे पूरा मारवाड़ा घूम रहे हैं। पूरे प्रचार दौर में हमारे साथ में हमारे जो जिम्मेदार जितने भी परभणी हो, नांदेड़ हो, जालना हो, उस्मानाबाद हो, हिंडौली हो, औरंगाबाद हो, बीड हो, ये सभी जिले के जिम्मेदार हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, ये टीम वर्क का काम होता है। ये इलेक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी मारवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग लड़ रहे, तो हमारे पास पूरी टीम वर्क होने की वजह से आपको ये इलेक्शन आसान भी जा रहा है। और हमें यही मानना है कि लोग हमें हमारे काम की वजह से वोट देंगे, मुझे भी मेरा भी काम देखेंगे, हमारे पार्टी का भी काम देखेंगे, और ये पूरा काम देख के ये हमारे को वोट होने वाला है। हमारे एजेंडा में हमने, आप देखिए कि हमने पदवीधरों को जो बेरोजगार पदवीधर हैं उनको हमने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। डी एड बी एड MPA PhD नेट इनकी इनकी जो भर्ती है प्राथमिक भर्ती वो भी करनी चाहिए, इसकी मांग की है। अगर आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस हर जिले में है, पर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के जरिए किसको नौकरी मिलती है क्या? आज आप देखेंगे प्राइवेट जो कंसल्टेंसी जो जॉब दे रही है वो सब बंद करके पूरा सेंट्रलाइज एक प्रोग्राम बना के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू ही सबको जॉब मिले, ये हमारी मांग है। तो वो कुछ जल्दी हो गई थोड़ी बहुत, अभी हमारे जाहिरनामा देखिए, ये देखिए थोड़ा सा उसमें एक हद बात हो जाता है।